नमस्कार दोस्तों, फूड स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे सेहत और ताकत से भरपूर गोंद के लड्डू। पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए गोंद के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम गोंद, 1 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो खांड। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएं। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इसके लिए घी मैंने अपने गांव जो कि हरियाणा में है वहाँ से मंगाया है। ये भैंस का शुद्ध देसी घी है। देखिए कितना दानेदार है, सर्दियों में ऐसे जम जाता है। देखिए कितना अच्छा घी है। ये घी बहुत ही पौष्टिक होता है और खाने में तो बहुत ही स्वाद लगता है। सबसे पहले हम आटे को भून लेंगे। आटा हम दरदरा लेंगे, ज़्यादा बारीक पिसा हुआ आटा नहीं लेंगे। दरदरे पिसे हुए आटे से लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। गैस को सिम रखेंगे और आटे को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब तक आटे का कलर चेंज नहीं हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी तब तक हम आटे को भूनेंगे। ये देखिए हमारा आटा अपना कलर चेंज करने लग गया है। आटे को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आटे को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा भूनने से आटा जल जाता है और उसका अच्छा स्वाद भी नहीं आता है। आटे को हम एक सुनहरा सा कलर आने तक भूनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारे आटे का कलर चेंज हो गया है, आटा हमारा भुन गया है। हमारा बहुत ही अच्छा आटा भुन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया आटे का। बस हम आटे को इतना ही भूनेंगे। ये देखिए गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि नहीं तो आटा नीचे से जलने लग जाएगा, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम घी को गर्म करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमने शुद्ध देसी घी लिया है। ये बहुत ही ताकतवर होता है और इससे बने हुए लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं और खाने में एक अलग ही स्वाद आता है। आप भी शुद्ध देसी घी का ही यूज़ करें। घी को हम ज़्यादा नहीं गर्म करेंगे नहीं तो हमारा गोंद जल जाएगा। अब हमने इसमें एक दाना डाल के देखा है कि हमारा घी गर्म हुआ है कि नहीं। इसको हम फोड़ के देखेंगे। गोंद हमारा अच्छे से फूट रहा है, हमारा घी गर्म हो गया है। गैस को बहुत तेज़ नहीं करेंगे, सिम पे ही रखेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए अपने गोंद को भून लेंगे। गोंद जब पक जाता है तो अपने आप ऊपर आ जाता है। ये देखिए गोंद का कलर चेंज हो गया है और ये ऊपर आने लग गया है। गोंद को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये तैर के ऊपर नहीं आ जाए। एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देसी घी में बनाए हुए लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए हमारा गोंद भुन गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारा गोंद फूल के हमारा सारा गोंद फूल के ऊपर आ गया है। हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा गोंद भुना है कि नहीं। जब गोंद भुन जाता है तो ये अपने आप ही फूट जाता है। उंगली या चम्मच की सहायता से आप इसको फोड़ के देखें। गोंद के लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और सर्दियों में तो बहुत ही ताकत देते हैं। हमारा गोंद भुन गया है, एक सुनहरा सा कलर आ गया है गोंद पे। हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है।
इसी तरह करते हुए हम बारी बारी से सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा गोंद नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद डालते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। गैस को हम सिम पे ही रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा गोंद भून के तैयार हुआ है। इसी तरह हम बचे हुए गोंद को भी फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के फ्राई करने से अच्छे से फ्राई हो जाता है। देखिए हम अब इसको फोड़ के देखेंगे। देखिए कितनी अच्छी से फूट रहा है, बहुत अच्छा हमारा गोंद भुना है। इस तरह से गोंद भुनने से लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। हमने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है, अब हम इसको फोड़ लेंगे। हम इसको दरदरा ही कूटेंगे, आप एक बेलन या खलबट्टे किसी की भी सहायता से इसको फोड़ सकते हैं। ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं कूटेंगे। इस तरह से फोड़ने से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जब इसकी बाइट मुंह में आती है तो बहुत अच्छा स्वाद देती है। आप भी ये लड्डू इसी तरह से बनाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत गुणकारी होते हैं। ये देखिए हमने अपने गोंद को फोड़ लिया है, हमने इसको दरदराई रखा है। हमने आधे गोंद को फोड़ के डाला है और आधे को साबुती डाला है, क्योंकि बच्चों को इसका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब ये बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। अब हम इसमें मीठा डालेंगे। हमने इसके लिए 1 किलो खांड ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खांड से लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। खांड अब तभी डालेंगे जब हमारा आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, गर्म में हम नहीं मिलाएंगे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, नहीं तो लड्डू जम जाएंगे, बंधेंगे नहीं। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर बिना ड्राई फ्रूट के भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। हमने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करके अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। अगर ये लड्डू आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें घी की मात्रा कम रखें, और अगर आप खेलने वाले और बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हम दोनों हाथों की सहायता से अब गोल गोल लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़ा रख सकते हैं। इसी तरह बनाते हुए हम अपने सारे लड्डू रख लेंगे। हम मीडियम साइज के लड्डू बना रहे हैं। हमने आधा घी गोंद को फ्राई करते वक्त लिया था और आधा घी हमने इसमें बाद में मिला लिया था। टोटल हमने इसमें 1 किलो घी डाला है, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए हमारे कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए 5 से 6 घंटे के बाद हमारे लड्डू सेट होके तैयार हो गए हैं। ये इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है, ये वही है जो हमने साबुत इसमें गोंद डाला था। इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट लड्डुओं को में आता है। लड्डू खिला सकते हैं और बड़े पूरा 1 लड्डू खा सकते हैं। सर्दियों में सुबह आप नाश्ते में इनको इंजॉय करें।